हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छी होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि दीदी रिकॉल कैसे करें, और जब हम रिकॉल करते हैं पढ़ने के बाद तो फिर वो चीजें मतलब याद नहीं होती हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब यही है, प्रश्न यही था। तो देखिए, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि रिकॉल हम करते क्यों हैं, तो और ये होती क्या है ना। हम लोग तो बस सुन के जान जाते हैं कि हाँ रिकॉल करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हमें सजेशन देते हैं कि पढ़ने के बाद ऐसा करना चाहिए, तो हम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपने आप से कभी समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि ऐसा हमें करना ही क्यों चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है, मुझे तो ऐसा मतलब मैं किसी से सुनी या जानी नहीं कि रिकॉल करना चाहिए। अपने आप मेरा दिमाग काम करता था कि हाँ मैं पढ़ चुकी हूँ, तो अब मैं इस तरह से करूंगी तो ये चीजें मेरे दिमाग में बैठेंगी, क्योंकि मुझे भी भूलने की बहुत ज्यादा आदत है। तो रिकॉल मैं कैसे करती थी, मैं अब सुनती हूँ बहुत सारे लोगों का कि कहते हैं कि रात में सोने से पहले करना चाहिए, है ना। सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं बताऊं रिकॉल पहले होता क्या है, ये काम कैसे करता है। जैसे अब मैं एग्जाम्पल एक छोटा सा बताऊं, जैसे हम लोग दाल बनाते हैं घर में, तो दाल एक सादी सी बना दिए, है ना, लेकिन उसके ऊपर से जो तड़का लगा देते हैं ना उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, वो समझिए कि ये काम जो है ना रिकॉल करता है हमारे पढ़ने में, जो मतलब जो हम याद करने का एक प्रोसेस मतलब करते हैं ना कि अपनी चीज जो है दिमाग में बैठाएं, तो ये जो है ना उसको और एक तरह से प्रोटेक्ट करता है दिमाग में और अच्छा बना देता है। समझिए कि जो हम चीजें पढ़ रहे हैं उसका प्रोसेस जो चल रहा है दिमाग में उसको और अच्छे तरीके से ये करने लगता है। अब ये करें कैसे, मैं कैसे करती थी मैं अपना बताती हूँ। मैं रात वत में कभी टाइम नहीं देखती थी। मैं जैसे बताई कि आप लोगों को पहले भी कि मैं पेज फोल्ड करती थी। टारगेट मेरा रोज का रहता था कि किताब से मुझे इतनी चीजें पढ़नी है और नोट्स से मुझे ये चीजें पढ़नी है और कब टेस्ट देना कब क्या करना, मैं सब कुछ लिख के एक दिन पहले रख लेती थी। एक दिन आगे मतलब जो काम कल करना है उसे मैं एक दिन पहले कर लेती थी। अब जो है जब मैं पढ़ती थी, है ना, जितने पेज मैं फोल्ड करके रख लेती थी किताब में कि मुझे इतना इतना पढ़ना ही है इतना, तो पेंसिल लेके बैठी रहती थी। जब जब मैं पढ़ती थी ध्यान से उसको मैं निशान लगाती थी। अब मान लीजिए एक पन्ना पढ़ा, डेढ़ पन्ना पढ़ा, उसके बाद जाहिर सी बात है प्यास लग गई या कोई भी काम से आपको उठना पड़ा, तो मैं वहीं पे पेंसिल से निशान लगा रही थी कि अच्छा यहां तक मैं पढ़ के गई हूँ और अभी आऊंगी तो यहां से मुझे फिर पढ़ना, इतना ध्यान देके। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं मान लीजिए एक डेढ़ पन्ना मैं पढ़ी और मुझे उठना है, ठीक है, तो उठने से पहले जस्ट 2 मिनट का काम है, जितना मैं पढ़ी हूं ना उतना ही मैं जस्ट मतलब कहते रही हूँ कि उसको करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगते थे। आंख ऐसे मैं बंद करती थी या ऐसे नीचे करती थी और दिमाग को जोर देती थी कि क्या मैंने पढ़ा अभी, एक डेढ़ पेज में मैंने क्या पढ़ा, ठीक है, तुरंत उसको रिकॉल कर लेती थी, इस तरह से रिवाइज कर लेती थी। अपने आप याद आता था कि अच्छा हाँ हाँ ये पहले पन्ने में ये था, उसके बाद वाले पन्ने में ये था, ठीक है। लेकिन अगर उसी में कहीं मैं फंसती थी, मुझे लगता था कि अरे यार मैं फंस रही हूँ क्या था यहाँ पर, तुरंत मैं उठने से पहले मुझे ज्यादा प्रायोरिटी ये लगता था कि मैं क्या पढ़ी हूँ पहले उसको मैं एक बार रिकॉल कर लूँ, तुरंत मैं देखती थी कि अच्छा हाँ ये चीज़ फिर आ जाता था मुझे ऐसे करके, ठीक है। तो मान लीजिए अगर नहीं भी उठना था, मान लीजिए मैंने 3-4 पेज का टारगेट रखा है, मैं पढ़ रही हूँ लगातार, तो मैं जैसे ही पढ़ती थी उसको तुरंत कभी मतलब उठने के पहले मैं उसको जरूर एक बार तुरंत मैं रिकॉल कर लेती थी। ऐसा जानते क्यों करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे भूल जाएगा, अभी तुरंत भूल जाएगा, मैं अपनी कमजोरी जानती थी। तो मैं ये सोचती थी ना कि भाई ये बड़े मुश्किल से तो मैंने इतना दिमाग में बैठाया है, अभी मैं कहीं से मेरा दिमाग भटकेगा किसी और चीज पे जाएगा, ये जो मैं पढ़ी हूँ सब भूल जाएगा, तो मैं तुरंत उसको उसी लगे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि रात में कि कब, है ना, तुरंत मैं उसको रिकॉल करती थी। उसके बाद क्या है, मैं घूम टहल के आती थी, फिर एक बार जितना मैं पढ़ी हूँ ना फिर एक बार ससरी और तेज मेरा थोड़ा काम हो जाता था और मैं पढ़ती थी, फिर उसको रिकॉल, मतलब अगर मैं एक दिन का टारगेट बनाई हूँ 5-6 पन्ना पढ़ने का ना, तो उस 5-6 पन्ने को मैं पता नहीं कितने बार पढ़ती थी, और तब तक मैं पढ़ती थी जब तक मुझे उस दिन में ये नहीं लगता था कि हाँ अब भैया मुझसे कहीं से कोई पूछेगा इसमें से तो मैं बता लूंगी, तब तक मैं रिवाइज करती रहती थी। ऐसा नहीं था कि बस एक बार का रिविजन, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भैया रिविजन बहुत जरूरी है। आपका दिमाग कितना भी कमजोर होगा, कितना भी आपको अगर ये लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा और मेरा दिमाग बड़ा खराब है, लेकिन फिर भी है ना रिवीजन करने से सब कुछ होता है। वही बात है, जो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तहसील पर परत निसान। 100% सही है, मैंने आजमा के देख लिया है, और 10 महीने की तैयारी में अगर मैं नौकरी ले सकती हूँ तो कोई कुछ भी कर सकता है। बस हिम्मत मत हारिए आप लोग, और ये मत कहिए कि इतना काम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमेशा मेरे साथ बता तो रहा है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं क्या बताऊं, लेकिन यही है कि ना मैं कभी गिनाई नहीं किससे कहूं मैं, ये तकलीफ तो मेरी थी, नौकरी नहीं थी यही तकलीफ मेरी थी, वो वाली प्रॉब्लम भी मेरी थी, जिंदगी मेरी थी, सब कुछ तो मेरा था, बच्चा मेरा है, मतलब अगर जिंदगी खराब होगी तो मेरी खराब होगी, अच्छी होगी तो मेरी होगी, सब कुछ तो मेरा था, तो मैं शिकायत किससे करने जाऊं कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है,
हाँ बताइए किससे शिकायत करने जाती। तो इसीलिए जब सब कुछ मेरा था तो मैं किसी से नहीं कही, सब कुछ अपने ही मैनेज की। तो इसीलिए अपनी प्रॉब्लम को अपने तक ही रखिए, सोचिए मत कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है ये प्रॉब्लम है, किनारे साइड हटो भाई, किनारे हटो, रास्ते में ट्रैफिक आता है ना, किनारे हटो, मुझे आगे जाना है, थोड़ा सा वेट करिए। आधी तूफान आता है तो क्या है, तूफान में हम लोग कूद के थोड़े ही चले जाते हैं बाहर, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तूफान थम जाता है फिर निकलते हैं, है ना। तो सब कुछ बना बनाया नियम है भैया, ये सब होता है जिंदगी में। आप लोग भी अपने तरीके से काम करिए, सबका तरीका अलग अलग है। हाँ मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं जो अनुभव की हूँ, जो टिप्स है मेरा, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। आप लोग ये भी कहते हैं, कल ही मैं गई थी घूमने, यहाँ पे गोरखपुर में डिज्नीलैंड लगा हुआ है तो मैं गई थी घूमने, तो वहां पे मुझे एक मैम मिली तो कहें कि मेरा टेट क्वालिफाई हो गया है आपका वीडियो देख देख के, बड़ा अच्छा लगा, मतलब आपका आपके मोटिवेशन से। तो बहुत सारे कमेंट भी आप लोगों के आते हैं, मुझे यही सबसे अच्छा लगता है कि आप लोग कहते हैं कि दीदी मैं कर पा रही हूँ, मेरा मकसद कामयाब हो रहा है। मैं जब तैयारी करती थी सोचती थी कि मैं लोगों को बताऊंगी, लोगों की हेल्प करूंगी, क्योंकि जब मैं तैयारी करती थी मैं ऐसे वीडियोस खोजती थी, मुझे मिलते नहीं थे कि कोई बताए अंदरूनी बात, कोई बताए अपने सीक्रेट बताए, कोई नहीं बताता था। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं तो बताऊंगी, मैं कुछ हमेशा अलग ही काम करती हूँ, हटके कहती हूँ, ये नहीं सोचती हूँ कि कोई क्या कहेगा, क्योंकि अब इन चीजों से मैं ऊपर आ चुकी हूँ, बहुत सोच चुकी। तो यही चीज है, सारी लाइफ ऐसी ही चल रही है, आगे भी अभी भी संघर्ष मेरा जारी है, देखिए कहाँ तक पहुंचता है, मैं कहाँ तक पहुंचती हूँ। आप लोग भी लगे रहिए, सब कुछ कर सकते हैं, बस अभ्यास पे सब कुछ निर्भर है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक वो बार बार मेरे पास कमेंट आ रहा था, तो आपको आपका जवाब मिला होगा, रिकॉल करिए, है ना। इसी तरह से जरूरी नहीं है कि आप रात में करें, कब करें, जैसे पढ़िए तुरंत करिए। नहीं कर पा रहा हूं तो क्या रीजन है, आप सोचिए ना कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है, कुछ आपके दिमाग में और कुछ चल रहा है क्या। तो अगर कुछ चल रहा है तो फिर आपको उसको इग्नोर करना ही पड़ेगा, आपको एक जगह ध्यान लगाना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए सारी चिंता को किनारे करके पढ़िए, है ना, अपने आप को बंद कर लीजिए इस कमरे में, एक कमरे में सब लोग समझने की है ही नहीं, सब लोग भला बुरा कहें, सुनने कहने दीजिए, सुन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही झाड़, जैसे मिट्टी उट्टी लगती झाड़ देते हम लोग, ऐसे झाड़ दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।